नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार। 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने के बाद वैक्सीनेशन की रफ्तार काफ़ी धीमी हो गई है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की अब तक करीब 114 करोड़ से अधिक डोज उपलब्ध कराई जा चुकी है। वहीं वैक्सीन की धीमी रफ्तार को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान संभाल ली है। ब्रिटेन से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक्टिव दिखे। पीएम मोदी ने कम कोरोना वायरस टीकाकरण कवरेज वाले जिलों के जिला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में कोविड के टीकों की पहली खुराक के 50% से कम कवरेज और दूसरी खुराक के कम कवरेज वाले जिले शामिल हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 100 साल की इस सबसे बड़ी महामारी में देश ने अनेक चुनौतियों का सामना किया है। अब आपको अपने जिलों में वैक्सीनेशन बढ़ाने के लिए नए तरीकों पर और ज़्यादा काम करना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि टीकाकरण में तेजी लाने के लिए लोगों को जागरूक करना जरूरी है। अभी तक आप लोगों ने लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुँचने और वहाँ सुरक्षित टीकाकरण के लिए प्रबंध किए हैं। अब हर घर टीका, घर घर टीका, इस जज्बे के साथ आपको हर घर पहुंचना है। पीएम मोदी ने कहा कि हर घर पर दस्तक देते समय पहली डोज के साथ साथ आप सभी को दूसरी डोज पर भी उतना ही ध्यान देना होगा, क्योंकि जब भी संक्रमण के केस कम होने लगते हैं तो कई बार अर्जेंसी वाली भावना कम हो जाती है। लोगों को लगने लगता है कि इतनी भी क्या जल्दी है, लगा लेंगे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि अभी आराम का वक्त नहीं है। अगर हम आराम करते हैं और ध्यान भटकाते हैं तो नया संकट आ जाएगा। इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।